राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी के लिए छठी का भोग जो है कड़ी का, वो कैसे बनाएं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें कड़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, ये है 2 से 3 चम्मच बेसन, और ये है हल्दी, ये है लाल मिर्च, नमक, धनिया और गरम मसाला। हम इसके अंदर इन्हीं मसालों का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए, ये मैंने दही ली है, आप चाहें तो इसमें लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है बेसन। तो चलिए, अब हम कढ़ी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले मैं दही को अच्छे से मिक्स कर लूँगी आपस में, ताकि इसके अंदर कोई भी गांठ ना रह जाए। इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। और देखिए, अब इसके अंदर हम मिलाएंगे 2 से 3 चम्मच बेसन, और इसको अच्छे से आपस में हम मिक्स करेंगे, ताकि इसके अंदर बेसन की कोई भी गांठ ना रह जाए। तो इसको अच्छे से दही के अंदर मिक्स कीजिए। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये सारे मसाले। ये देखिए, ये सारे मसाले हम इसमें मिक्स कर देंगे, और अब इनको भी दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि बेसन की और मसालों की कोई भी गांठ इसमें ना रह जाए। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और अब इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर लीजिए। अगर आपको खट्टी कढ़ी खानी पसंद है तो आप खट्टी दही का यूज़ करें, और आप अगर थोड़ी कम खट्टी खाना पसंद करते हैं तो कम खट्टी दही का यूज़ करें। और अगर आपकी लस्सी ज़्यादा खट्टी हो गई और आप चाहते हैं कि उसकी खटास कम हो जाए, तो आप दही कम लें और उसके अंदर पानी ज़्यादा डालें। देखिए, हमारा कढ़ी का बैटर बनके तैयार हो गया है। और अब हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। मैं इसके अंदर मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूं, तो मैं इसको सिंपल ही रखूंगी। हम करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड, और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए, और इसको भी अच्छे से आपस में मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, पानी थोड़ा कम है, तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। जितना ज़्यादा हम बेसन को फेंटते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी पकौड़ियाँ सॉफ्ट बनती हैं। तो ये देखिए, इसको फेंटते रहिए लगातार, और हमारा पकौड़ी का बैटर जो है बनकर तैयार हो गया है। और अब हम पकौड़ी बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, हमने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर तेल डाल दिया है, जो कि अब गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, एक एक करके आप पकौड़ी डालना शुरू कर दीजिए। पकौड़ी बनाते समय तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पकौड़ी डालते ही जल जाएंगी। इसीलिए मीडियम आंच पर ही आप पकौड़ी बनाएं। ये देखिए, हमने धीरे धीरे करके सारी पकौड़ियाँ कढ़ाई में डाल दी हैं, और अब हम इनको पलटते हुए देखिए तैयार कर लेंगे। हमारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सारी पकौड़ियाँ एक एक करके प्लेट में निकाल ली हैं, और अब हम इनको ये देखिए साइड में रख देंगे। और तेल हमारा गरम है, जो हमने कढ़ी का बैटर तैयार किया था। देखिए, अब हम उसको इसमें डालेंगे। कढ़ी को बनने में 30 से 40 मिनट तक लग जाते हैं। कहा जाता है कि कढ़ी जितनी ज़्यादा उबलती है, खदकती है, उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो कढ़ी को कम से कम 30 से 40 मिनट तक बनाइए। और देखिए, हम इसमें अब थोड़ा पानी ऐड कर देंगे,
और इसको लगातार चलाते रहिए ताकि ये तली में लग ना जाए। 30 से 40 मिनट इसको बनने में लग जाते हैं, इसको लगातार चलाते रहिए जब तक इस पर क्रीमी लेयर ना आ जाए। और ये देखिए 30 से 40 मिनट हो गए हैं और हमारी कढ़ी देखिए बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए इसमें खदका आ चुका है और जितनी ज़्यादा कढ़ी उबलती है उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। और अब हम इसमें ये सारी पकौड़ियाँ ऐड कर देंगे और इन पकौड़ियों को मिक्स कर दीजिए कढ़ी के अंदर। और अब हम इस कढ़ाई को दूसरी गैस पर शिफ्ट कर देंगे और अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो देखिए मैंने तड़का पैन ले लिया है और इसमें तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो रहा है। और अब हम देखेंगे कि हमें तड़के के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये है कड़ी पत्ता, मेथी दाना, ये है सूखी हुई लाल मिर्च और ये है देगी मिर्च। ये खाने में तीखी नहीं होती लेकिन रंग बहुत ही अच्छा देती है, तो हम इन्हीं चीज़ों का तड़के में यूज़ करेंगे। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना। ये 1 से 2 सेकंड के अंदर पककर तैयार हो जाएगा। इतने ये मेथी दाना इसमें भुनता है, इतने हम कर लेते हैं एक ज़रूरी बात। देखिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए बातें करते करते मेथी दाना भुन चुका है और अब हम गैस को कर देंगे बंद और हम इसमें डालेंगे ये देखिए लाल मिर्च और अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। एक से दो सेकंड के अंदर ये कड़ी पत्ता और लाल मिर्च जो है इसमें फ्राई हो जाएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे देखिए अपनी लाल मिर्च। लाल मिर्च ऐड करते समय ये ध्यान रखिए कि गैस हमेशा ऑफ रहे। ये देखिए हम इसके अंदर 1 से 2 चम्मच ये मिर्च ऐड कर देंगे और इनको आपस में मिक्स कर देंगे। तेल हमेशा ठंडा रखें नहीं तो मिर्च जल जाती है। और देखिए अब हम इस तड़के को साइड में रख देंगे और कढ़ी को आगे वापस ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब देखिए हम इसके अंदर ये जो हमने तड़का तैयार किया है ये डालना शुरू करेंगे। ये देखिए कढ़ी का कितना सुंदर रंग आया है, ये दिखने में जितनी सुंदर है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।